दोस्तों, तो ये हमारा एक अगला वीडियो है, डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, हमारे वीडियोज फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज के, कॉम्पिटिटिव मैथ के डेली किसी न किसी टॉपिक के एक वीडियो आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ आप नए टॉपिक चाह रहे हो, तो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उस वीडियो में आप कमेंट कर दें। जो टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक मैं सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा और आपके हेल्प करूंगा। तो दोस्तों, डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट जो है ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूफ करता है। एक्चुअल में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये है कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उससे एक वेव एसोसिएट होता है, उस वेव को डी ब्रोगली वेव्स कहते हैं। जैसे लाइट के ड्यूअल नेचर होते हैं, मतलब लाइट कभी वेव की तरह बिहेव करता है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। डी ब्रोगली ने सोचा कि अगर लाइट में ये प्रॉपर्टी हो सकती है तो जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका भी नेचर जो है कभी वेव की तरह हो सकता है और कभी पार्टिकल की तरह हो सकता है। इसको बोलते हैं ड्यूअलिटी, ड्यूअल नेचर, क्योंकि कोई भी मैटर जो है वो इनर्जी से ही मिलके बना है और लाइट एक इनर्जी का फॉर्म होता है। तो दोस्तों, पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए रिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट, इस तरह से बहुत सारे फिनोमिना हैं। और वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, ये पोलराइजेशन, ये फिनोमिना है। तो प्रैक्टिकली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के वेव नेचर को डेविसन और गर्मर ने सबसे पहले 1927 में प्रूफ किया। प्रैक्टिकली इन्होंने प्रूफ किया डी ब्रोगली के। इसके लिए एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन की स्केटरिंग देख रहे थे। इन्होंने एक्चुअल में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूफ नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन की स्केटरिंग का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, लेकिन इससे जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के वेव नेचर को प्रूफ कर गया। तो इसके लिए ये है दोस्तों कि जब इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी रेगुलर एटॉमिक एरे के साथ स्केटर्ड होता है, रेगुलर एटॉमिक एरे के मतलब होता है कि कोई भी क्रिस्टल है वो एक रेगुलर शेप में एटम से मिलके बना होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन का स्केटरिंग होगा। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि जब एक वेल डिफाइंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो निकल क्रिस्टल पे, यहाँ डेविसन और गर्मर ने निकल क्रिस्टल का यूज किया था, तो निकल क्रिस्टल पे जब वो टकराता है तो स्केटर्ड के बाद इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है। इसको डेविसन और गर्मर ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने देखा कि इंटेंसिटी जो है डिक्रीज होती है कब, जब एंगल ऑफ स्केटरिंग इंक्रीज होता है, मतलब जब एंगल ऑफ स्केटरिंग इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। इसके लिए उन्होंने ये भी देखा कि अगर ऑपरेटर्स में एयर इंटर कर गया है किसी भी रीजन से, तो ऑपरेटर्स के अंदर जो निकिल क्रिस्टल है वो उसमें ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, मतलब मेटल सरफेस पर एक ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा। इस ऑक्सीडाइजेशन को रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको ओवन में, हॉट ओवन में इसको पका दिया, मतलब हॉट ओवन में इसको डाल दिया, तो इससे जो ऑक्सीडाइजेशन की फिनोमिना है वो रिमूव हो जाती है। और फिर इसके बाद इसको ऑपरेटर्स में यूज करते हैं। अगर फिर से ऑक्सीडाइजेशन की ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा तो फिर से इसको हॉट ओवन में बेक्ड करेंगे, पका देंगे, उसको डाल देंगे ताकि ऑक्सीडाइजेशन हट जाए, और ये बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि जब निकल क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन स्केटरिंग होता है तो वो डिफ्रेक्ट हो जाता है। डिफ्रेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, आप जानते होंगे, चेंज ऑफ पाथ। दोस्तों, ये उनका एक्सपेरिमेंट है, डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट है। यहां से उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ये आपका इलेक्ट्रॉन गन है जहां से इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, ये फिलामेंट है, यहां से इंसिडेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इलेक्ट्रॉन, और ये आपका निकल क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल पे ये इंटरेक्ट होगा, मतलब स्ट्राइक करेगा। जब निकल क्रिस्टल पे ये टकराएगा तो ये अलग अलग एंगल पे, हमने सिर्फ एक ही डायरेक्शन को शो किया है,
अलग अलग एंगल पे, कोई इस डायरेक्शन पे जाएगा, कोई इस डायरेक्शन पे जाएगा, कोई इस डायरेक्शन पे जाएगा, डिफरेंट एंगल पे वो डिफ्रेक्ट हो जाएगा, मतलब उसका पाथ चेंज हो जाएगा। इसको बोलेंगे स्कैटर्ड बीम, ये इंसिडेंट बीम है, इनके बीच के एंगल जो है थीटा है, तो ये और यहां से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन गन से निकिल क्रिस्टल पे इंसिडेंट होता है तो वो डिफरेंट एंगल पे स्केटर्ड हो जाता है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन हो जाता है। एक्सीलरेशन हीटेड फिलामेंट के कारण होता है। इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ईवी है, वी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, ई चार्ज है। और इसके बाद ये फिर निकल क्रिस्टल में जब हीटेड फिलामेंट से जब एक्सीलरेट होगा तब उसको निकल क्रिस्टल पे इसको हम इंसिडेंट कराएंगे, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेविशन गर्मन ने एक डिटेक्टर का यूज किया, जैसे डिफ्रेक्शन के बाद, ये डिफ्रेक्शन के बाद लाइट जो है ये डिटेक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर लेगा। हमने अभी आपको डिस्कस करके बताया कि यहाँ जब निकल क्रिस्टल से वो इंसिडेंट करेगा और फिर उसके बाद स्केटर हो जाएगा, उन्होंने इसमें एक डिटेक्टर का भी यूज किया है और डिटेक्टर के थ्रू उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो करंट फ्लो होता है उसको भी उन्होंने रीड किया। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जो डिफ्रेक्शन है इलेक्ट्रॉन में वो अलग अलग होगा। जैसे 40 वोल्टेज अगर हम देते हैं तो उसका देखते हैं कि यहाँ थोड़ा सा डिफ्रेक्शन इंसिडेंट बीम का कम हो रहा है। 44 वोल्टेज बढ़ा दिए, थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफ्रेक्शन ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है डिफ्रेक्शन पैटर्न, यहाँ सबसे ज्यादा होता है। ये ग्राफ प्लॉट करने पर इस तरह से फाइंड हुआ कि यहाँ 50 डिग्री पे और 54 वोल्टेज पे सबसे अधिक इसमें डिफ्रेक्शन मिलता है। इसके बाद अगर हम फिर से एंगल बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो फिर से इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो दोस्तों जो स्ट्रांग डिफ्रेक्शन है वो मिलता है जब थीटा की वैल्यू 50 डिग्री हो और वोल्टेज हो 54 वोल्टेज हो। अब दोस्तों जो निकिल क्रिस्टल है ये एक तरह से डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करता है। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या कहलाता है दोस्तों? डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग कहलाता है कि जब बहुत सारी एन स्लिट एक दूसरे पैरेलल अरेंज हो तब उसको डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। और हम हर एलिमेंट को, हर मटेरियल को एक लेयर की भांति डिफरेंट लेयर से बना हुआ मान सकते हैं। इस तरह से वो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की तरह बिहेव करता है। डिफ्रेक्शन में प्रिंसिपल मैक्सिमा और मिनिमा भी होता है। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए, और ये ब्रैग इक्वेशन को फॉलो करेगा। ब्रैग इक्वेशन होगा एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब निकिल के लिए d की वैल्यू कितनी होती है? 0.91 और फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। 65 डिग्री कैसे होगी दोस्तों? अगर ये मान लिया हमने एलिमेंट है, यहां से ये इंसिडेंट लाइट है, ये स्केटर लाइट है, इंसिडेंट लाइट और स्केटर लाइट के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, इंसिडेंट लाइट और मटेरियल के बीच में फाई, स्केटर लाइट और मटेरियल के बीच में एंगल फाई बन रहा है, तो यहां से 2 फाई प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180, तो यहां से फाई इक्वल टू हो जाएगा 65 डिग्री। अब इन सभी को वैल्यू को हम पुट कर देंगे लेमडा इक्वल टू में, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.65 एंगस्ट्रांग। तो अभी दोस्तों हमने डिफ्रेक्शन पैटर्न के थ्रू हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड की। अब हम इलेक्ट्रॉन के इनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बेस पे हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी ब्रॉगली हाइपोथिस के अकॉर्डिंग होता है लेमडा इक्वल टू एच अपान पी। पी मोमेंटम है, एच प्लांक कॉन्स्टेंट है। मोमेंटम का फार्मूला होता है √2ma e। H की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, यहाँ पे एनर्जी है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बेस पे यदि हम वेवलेंथ फाइंड करते हैं तो आंसर आता है 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यदि हम ब्रैग इक्वेशन डिफ्रेक्शन पैटर्न के थ्रू यदि हम फाइंड करते हैं तो आंसर आता है 1.65 एंगस्ट्रांग। तो इस तरह से दोस्तों इन दोनों आंसर में बिल्कुल भी बहुत डिफरेंस नहीं है, ये एक दूसरे को बिल्कुल कोरिलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से डेविशन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट सबसे पहले डी ब्रॉगली हाइपोथिस के वेव नेचर को प्रूफ करता है।
जो कि हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी मूव करता है तो उससे वेव एसोसिएट होती है, उस वेव नेचर को सबसे पहले प्रूव किया डेविशन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट ने। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।